आज हम आपको ऐसे ही टॉप 7 सुपर स्प्रेडर शहरों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, जिससे पता चलेगा कि कोरोना से लड़ने में सबसे कमजोर खड़ी है क्या और क्या देश में तीसरी लहर आ गई है। वही हुआ जिसका था डर, क्या आ गई कोरोना की तीसरी लहर। देश में कोरोना संक्रमण के मामले फिर बेतहाशा तेजी से बढ़ने लगे हैं और जिस तेजी से बढ़े हैं उससे आशंका जताई जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर देश में दस्तक दे चुकी है, क्योंकि रविवार को खत्म हुए सप्ताह के दौरान यानी पिछले 7 दिन में ही कोरोना के मामलों में 181% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। एक हफ्ते पहले तक आंकड़ा लगातार गिर रहा था, लेकिन उसके बाद बीते हफ्ते केस बहुत तेजी से बढ़े और फिक्र भी बढ़ गई। ऐसे में सवाल है कि क्या आम लोग इस संकट को समझ रहे हैं, क्या लोगों को एहसास है कि इन हालात में कोरोना के बचाव के नियम को नजरअंदाज करना बड़ी भूल साबित होगी। ये जानने के लिए TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर्स ने उन 7 शहरों का रियलिटी चेक किया जो इस वक्त सुपर स्प्रेडर बने हुए हैं। हमने सबसे पहले रुख किया माया नगरी मुंबई का, जो पूरे देश में कोरोना संक्रमण का सबसे बड़ा सेंटर बनी हुई है। तस्वीरें दादर मंडी की है और इन्हें देखकर साफ है कि शायद ये भीड़ भूल गई दूसरी लहर में ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर मरने वाले मंजर को, लाशों से पटे शमशान को। तभी तो घनघोर लापरवाही बरतकर जहरीले विषाणु को फिर से हवा दी जा रही है। हम दादर मार्केट में खड़े हैं। सरकार बार बार कहती है कि भीड़ नहीं करनी चाहिए, अगर लोग सब्जी मंडी जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, लेकिन दादर के इस सब्जी मंडी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं पहनते हैं अभी भी, और बेसिक जो रूल है मास्क पहनना, 2 गज की दूरी रखना, उसका पालन नहीं हो रहा है। लेकिन जिसे हम कहते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड एटीट्यूड, मुंबई कर अभी भी ले रहे हैं। सार्वजनिक जगहों पे घूमते हुए अभी भी लोग मास्क नहीं पहनते, सब्जी मंडियों में हो या हम कहें कि खुले मैदान जहाँ पे बच्चे खेलने जाते वहाँ पे उतनी ही भीड़ हो रही है और कोविड नॉर्म्स का वायलेशन भी हो रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम जब मरीन ड्राइव पहुंची तो वहां भी संक्रमण को निमंत्रण देते हुए लोगों की भीड़ नजर आई। ये ऐसे लोगों का हुजूम है जो खुद को कोरोना प्रूफ मानते हैं, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग की इन्हें रत्ती भर परवाह नहीं। किसी के मुंह पर मास्क है तो किसी के मुंह पर नहीं, लेकिन वायरस को इस तरह हल्के मिले ना, ना सिर्फ इन्हें बल्कि पूरे देश को भारी पड़ सकता है। मुंबई को संक्रमण के मामले में दिल्ली पूरी टक्कर दे रही है। मुंबई के बाद देश में सबसे ज्यादा केस दिल्ली में मिल रहे हैं। एरिया वाइज देखें तो साउथ दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में हॉटस्पॉट बने हुए हैं। लेकिन ये जगह क्यों संक्रमण का सेंटर बने हुए हैं, ये पता लगाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष की टीम नॉर्थ वेस्ट दिल्ली पहुंची, शकुरपुर मार्केट और कतर मार्केट में गई। वहां के हालात देखे तो पता चला कि यहां भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को तिलांजलि देकर लोगों की भीड़ कोरोना को लापरवाही की बूस्टर डोज दे रही है। लगातार दिल्ली सरकार लोगों से अपील कर रही है कि आप कोविड-19 के नियमों का पालन करें, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर देखा जा रहा है कि कई लोग ऐसे हैं जो कि नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त मौजूद है दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में कत्तर मार्केट के अंदर, जहां पिक्चरों में देख सकते हैं कि काफी तादाद में यहां पर लोग जो है वो आपको नजर आएंगे जो कि शॉपिंग करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो कि कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, मास्क जो है उन्होंने नहीं लगाया हुआ। तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए यहाँ पे आपको लोग जो है वो नजर आएंगे। आपको पता है कि ना मास्क लगाना जरूरी है, मास्क क्यों नहीं लगा रखा आपने? मास्क लगा रखा भी, हटाया है मैंने अभी, हटाया आपने, लेकिन मास्क तो लगाना चाहिए ना, हटाने का क्या मतलब है? जी बिल्कुल सर, ओके, कोई बात नहीं। ये वो इलाका है जहाँ पे ज्यादा कोरोना के मामले, अभी अभी जस्ट हटाया मैंने सर। अलग अलग बहाने बनाने वाले इन लोगों को समझना होगा कि इस तरह वो कैमरे के सामने तो पल्ला झाड़ सकते हैं, लेकिन ये बहानेबाजी उन्हें कोरोना से नहीं बचा सकती। संक्रमण से मास्क बचा सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग सुरक्षित रख सकती है, जो तमाम सख्तियों के बाद भी दिल्ली में नजर नहीं आ रही। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।